इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज हम मांग का नियम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मांग का नियम के अंतर्गत हम सबसे पहले मांग के नियम की परिभाषा तथा उसकी अवधारणा को जानेंगे। मांग की क्या विशेषता हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे और अंत में मांग के नियम की रेखाचित्र द्वारा व्याख्या करेंगे। अब हम मांग के नियम के बारे में पढ़ते हैं कि मांग का नियम आखिर है क्या। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मांग के नियम की परिभाषा को जानना होगा। मांग का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत में कमी होने से उसकी मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार वस्तु के मूल्य एवं उसकी मांग के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है, इसे ही मांग का नियम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी मांग कम होगी और अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। एक और परिभाषा लेते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार गिरते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा बढ़ती जाती है। गिरते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा बढ़ती जाती है तथा बढ़ते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा घटती जाती है, अर्थात अगर किसी वस्तु का मूल्य घटेगा तो उसकी मांग ज्यादा बढ़ेगी और अगर किसी वस्तु का मूल्य अधिक बढ़ता है तो उसकी मांग घटती चली जाएगी। मांग के नियम की कुछ विशेषता इस प्रकार है। यह नियम अन्य बातें समान रहने पर ही कार्यशील रहता है, अर्थात यह नियम तभी लागू होगा जब कुछ बातें समान रहें। कहने का मतलब यह है कि बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक आपदाएं, कई प्रकार की ऐसी असामान्य घटना जो उसको प्रभावित ना करे, तभी यह नियम कार्यशील होगा। दूसरा है मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग का नियम जो इस बात पर आधारित है कि कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत। तीसरा, यह परिणात्मक कथन ना होकर गुणात्मक कथन है। अभी तक आपने मांग तालिका के निर्माण के बारे में जाना कि मांग का नियम कैसे कार्य करता है। अब हम उसी मांग तालिका के आधार पर रेखा चित्र का निर्माण करते हैं कि किस प्रकार मांग का नियम कार्य करता है और मांग की रेखा कैसे बनती है। तो पहली कॉलम पे हमने केलो की कीमत को दर्शाया है और दूसरे कॉलम पर हमने केलो की मांग प्रति दर्जन में दर्शाया है। सबसे पहले रेखा चित्र में ओ एक्स पर हम केले की मांग यहाँ पे दर्शाएंगे और ओ वाई अक्ष पर केले की कीमत प्रति दर्जन में दर्शाएंगे इस वाली बिंदु पर। तो सबसे पहले अगर केले की कीमत 5 रुपये होती है तो उसकी मांग 60 हुई, 60 दर्जन केलों की मांग हुई, उसको हम इस बिंदु पे दर्शाएंगे। केलों की मांग इस बिंदु पर और केले की कीमत इसमें, तो 5 रुपये पर 60 दर्जन केलों की मांग यहाँ पर आएगी। इसके बाद अगर केले की कीमत 10 होती है, बढ़ती है, तो केले की मांग कितनी हो गई, 50, घट गई है, तो केले की मांग में कमी आई है। पहले 60 थी और अब 50 हो गई 10 रुपये पर। ऐसी 15 पर 40 यहाँ पर आ गई, 20 रुपये अगर कीमत होती है तो 30 हो गई, घट गई, और कीमत अगर और बढ़ती है 25 हुई तो 20, और अगर कीमत बढ़कर 30 रुपये हो जाती है तो मांग घटकर केवल 10 हो गई, तो वो इस बिंदु पे आ गई, 30 रुपये पर केवल 10 मांग रह गई, अर्थात
जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, केलों की मांग में भी कमी आ रही है। अब इन बिंदुओं को अगर हम जोड़ ले देते हैं तो ये डीडी डिमांड रेखा कहलाएगी, इसको हम हिंदी में मांग रेखा भी कहते हैं। अब रेखा चित्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे केले की कीमत ऊपर से नीचे घट रही है, पहले कीमत अगर 30 रुपये थी, कोई 25 हुई, फिर लास्ट में 10 5 रुपये हो गई है, तो क्या होगा? जब केले की कीमत घटेगी तो मांग की मात्रा बढ़ेगी, ऊपर से ये मांग की मात्रा इधर को बढ़ रही है। कीमत अगर पहले 30 रुपये थी तो मांग केवल 10 रुपये थी, केलों की मांग 10 रुपये, 10 मांग दर्जन थी, ऐसी 25 रुपये हुई तो ये बढ़ के 20 हो गई। तो देखा आपने कि कीमत घट रही है और मांग इधर को बढ़ रही है। अब जो जो कीमत बढ़ती है, अब कीमत ऊपर को बढ़ रही है तो मांग की मात्रा घटती जा रही है। कीमत बढ़ रही है मतलब पहले 5 थी, फिर 10 हुई, 15, 20, 25 और 30। तो केले की मांग सबसे कम कीमत पे कितनी थी? 60, मतलब 5 रुपये पर केले की मांग 60 दर्जन थी, और कीमत बढ़ते बढ़ते 30 हो गई, तो केले की मांग की मात्रा भी कम होती चलेगी और अब यहाँ केवल 10 केले की मांग रह गई, 10 दर्जन केले की मांग रह गई है। तो यह नियम यह व्याख्या करता है कि जैसे जैसे किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग की मात्रा घटती है, और कीमत घटती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है। तो किसी भी वस्तु की जो मांग का नियम बताता है कि कीमत और मांग, वस्तु की मांग की मात्रा में कौन सा संबंध होता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को दिए हुए लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ मेरे YouTube चैनल को आप मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।